जब महाशिवरात्रि पर एक मुस्लिम ने चढ़ाया शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा और फिर जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज तक आपने सुना और देखा भी होगा कि शिवरात्रि के दिन सभी शिव भक्त महादेव को जल, दूध, फल और मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम शिव भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महादेव को फल या मिठाई नहीं बल्कि महाशिवरात्रि पर मांस का टुकड़ा चढ़ाया, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर शिव भक्त कांपने लगे। दोस्तों, ये महादेव का चमत्कार मुजफ्फरनगर के अलीगढ़ गांव में हुआ, जहां पर एक सलीम नाम का दर्जी रहा करता था। वो बचपन से ही क्रांतिकारी व्यक्ति था। वो भले ही मुस्लिम धर्म से जन्मा था, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी उतना ही मानता था जितना अपने मुस्लिम धर्म को। दरअसल सलीम की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। उसने बचपन से ही अपने माता पिता को दोनों धर्मों को मानते देखा था, इसीलिए वो भी दोनों धर्मों का सम्मान करता था। सलीम की माँ महादेव भगवान शिव की एक अनन्य भक्त थी, जो रोज सुबह शिवलिंग को जल अर्पित करती थी। सलीम भी अपनी माँ को देखकर शिव भक्ति करने लग गया और अपनी माँ के साथ सलीम भी शिवलिंग को जल अर्पित करने लगा। दोस्तों, सलीम का पूरा परिवार हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। हालांकि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम लोगों की कट्टरपंथी को हर कोई जानता था, लेकिन सलीम का परिवार एकमात्र ऐसा परिवार था जो हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया करता था, फिर चाहे वो दिवाली हो या फिर होली। दोस्तों, एक बार सलीम महाशिवरात्रि वाले दिन अपने परिवार वालों के लिए मटन लेकर जा रहा था। उस दिन उसको मटन खाने की इच्छा जागृत हुई, तो उसने सोचा कि आज घर जाकर वो स्वादिष्ट मटन अपने हाथों से बनाकर खाएगा। और सलीम तुरंत ही मार्केट गया और मटन लेकर जैसे ही वो अपने घर की ओर जाने लगा, तो उसने देखा कि महादेव के मंदिर पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ऐसा तो किसी महत्वपूर्ण अवसर पर ही होता है, लेकिन आज ऐसा क्या है जो कि सभी लोग महादेव के मंदिर में जा रहे हैं। सलीम इस बात से अनजान था कि आज महाशिवरात्रि है। तो दोस्तों, तभी सलीम ने मंदिर से निकलने वाले एक व्यक्ति से पूछा, आज भाई ऐसा क्या है जो आज मंदिर में इतनी भीड़ लगी हुई है। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई आज महादेव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि है। बस महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में सलीम को बड़ा दुख हुआ कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज मेरे महादेव का पावन पर्व महाशिवरात्रि है और ना ही मेरे पास महादेव को चढ़ाने के लिए फल या फिर फूल हैं। दोस्तों, सलीम निराश होकर जमीन पर बैठ गया। आसपास ना तो फलों और ना ही प्रसाद की दुकान थी। ऐसे में सलीम को कुछ नहीं सूझा और वो सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में चला गया और महादेव से प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे प्रिय प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आज महाशिवरात्रि का अवसर है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आज पहली बार मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे हाथ में जो है मैं वहीं आपको अर्पित करता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करना और मेरी इस भेंट को स्वीकार करना। दोस्तों, सलीम ने मटन की थैली को शिवलिंग पर रख दिया, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुमने महादेव को कुछ भी चढ़ाना है तो खोल कर चढ़ाओ और पन्नी को बाहर कूड़ेदान में फेंक दो। ये सुनकर सलीम के मन में डर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने पन्नी को खोला और आंखें बंद करके थैली में से मांस का एक टुकड़ा निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही सलीम ने आंख खोली तो उस पन्नी में से मांस की जगह फूल निकलने लगे। ये देखकर सलीम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने महादेव का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं होने देते। दोस्तों, महादेव का ये चमत्कार देख सलीम महादेव भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया और उसने दुनिया की मोह माया छोड़ दी और बस शिव भक्ति में लग गया। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोर, उस महादेव से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोर। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।